बटेर जो बिहार और स्वीकृति प्रांतों के लिए जो अनुशंसित प्रभेद है, प्रजाति है, वह है जिसको कटर्निक्स कहा जाता है। और ये एक पक्षी है जिसका काफ़ी स्वाद में बेहतर होता है और बाज़ार में डिमांड इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये भोजन भी काफ़ी कम करती है, प्रतिदिन में औसत 15 से 20 ग्राम इसमें दाना पानी की ज़रूरत पड़ती है। अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति होने के चलते इससे मृत्यु दर भी काफ़ी कम होती है, बटेर आपके मरते कम है, और इसमें दवा इत्यादि की ज़रूरत और टीका की आवश्यकता लगभग नगण्य पड़ती है, बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। बटेर के पालने में औसतन आपको एक बटेर को 4 सप्ताह में तैयार करने में 15 से 16 रुपये तक का खर्च आता है, और चूजे आप किसी विश्वस्त हैचरी से खरीदते हैं तो एक दिन ही से 4 दिनों तक के चूजों का दाम औसतन 10 से 12 रुपये पड़ता है। अर्थात एक बटेर को तैयार करने में मुश्किल से 20 से 25 रुपये का कुल खर्च आता है, और इसको अगर आप बेचने जाइएगा तो इसका थोक मूल्य 35 से 45 रुपया होता है, खुदरा मूल्य ये 75 से 80 रुपये तक का हो जाता है। अर्थात प्रति बटेर अगर आप चाहें तो 15 से 25 रुपये तक की बचत आप थोक भाव में बेच करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप बेरोजगार युवा या घर की महिलाएं भी छत पे दरबा बनाकर केज सिस्टम में बांस बल्ले का दरबा जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं, और उसका दरबा बना करके मल्टी लेयर 3 लेयर या 4 लेयर का पिंजरा बना करके आप उसमें पाल सकते हैं। बांस के दरबे में नीचे में बिछाली के रूप में आप कुन्नी बिछा दें या धान की भूसी बिछा दें, उसके ऊपर फीडर और ड्रिंकर प्लास्टिक के छोटे छोटे आते हैं उसे रख दें। हाँ, फीडर और ड्रिंकर की प्रतिदिन साफ सफाई नितांत आवश्यक है, साफ सफाई नहीं रहने से उनकी बढ़वार रुक जाती है और उनमें संक्रमण का खतरा रहता है। 25 वर्ग फीट के जगह में आप चाहें तो 150 से 200 बटेर तक आप पाल सकते हैं बखूबी। अगर उसको आप 3 मंजिला बना देते हैं तो आप 450 से 600 बटेर तक उसी स्थान में पाल सकते हैं, और नया टेस्ट होने के चलते बाजार भी इसका बहुत ज़्यादा है, आपको कहीं भी बिक्री हो जाएगा। इसके चूजे भी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में उपलब्ध हैं, उन्नत प्रजाति के चूजे को ले जा करके पालें और अत्यधिक लाभ कमावें।